नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके परिवार के सभी सदस्य भी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आपसे जब भी जुड़ती हूँ तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि एक खास मुद्दे को लेकर आपके साथ मुझे बातों को साझा करना अच्छा लगता है। तो खास बात अर्चना कौशल के साथ में आज खास बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो आपसे जुड़ा है, मुझसे जुड़ा है, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। अच्छा, जब आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में सबसे पहली जो होड़ होती है, जो लंबी लाइन लगती है, वो लंबी लाइन लगती है भगवान के दर्शन के लिए। भगवान के दर्शन के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में लगकर इंतज़ार करते हैं, और उसके बाद जब भगवान के दर्शन करते हैं, उनके लिए जो प्रसाद लेकर आते हैं वो चढ़ाते हैं, फिर उस प्रसाद को भगवान के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करने के लिए आप इंतज़ार करते हैं। ऐसा ही होता है, बचपन से हमने ऐसा ही देखा है, ये सनातन धर्म की परंपरा है। मंदिर में भगवान को चढ़ने वाला भोग भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं होता, उसे पवित्र माना जाता है। और इसीलिए जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, सबसे पहले तो हाथ धोकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर उसे माथे से लगाते हैं, क्योंकि भैया भगवान का आशीर्वाद है, मजाक तो है नहीं, ये हमारी आस्था है, यही हमारी सनातन धर्म की परंपरा भी है। लेकिन जब भगवान के उसी भोग को लेकर, उसकी पवित्रता को लेकर सवाल उठने लग जाए तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है मानो किसी ने हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया हो, ऐसा लगता है मानो किसी ने हमारी आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की हो। उसी को लेकर आज बात करने वाले हैं। मामला 18 सितंबर का है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने सीधे तौर पर उनसे पहले रही सरकार, यानी कि पिछले 5 साल में जगनमोहन रेड्डी की सरकार रही, और YSRCP उनकी पार्टी है, तो उन्होंने पहले की सरकार में रहे जगनमोहन रेड्डी और उनके तमाम नेताओं पर सवाल उठाए हैं। चंद्रबाबू नायडू ये कहते हैं कि उन्होंने तिरुमाला की पवित्रता को धूमिल करने का काम किया है। खैर, ये तो हो गया एक पॉलिटिकल बयान, यानी कि पॉलिटिकल इसे इसीलिए कहेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री ने दिया, तो राजनीतिक एंगल तो अपने आप ही जुड़ गया। लेकिन इस बयान में कितनी सच्चाई है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इतना बड़ा सवाल उठाया गया है, इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह पवित्रता को लेकर लगाया गया है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहीं ना कहीं लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। अब दरअसल हुआ क्या था कि 17 जुलाई को एक लैब रिपोर्ट सामने आई थी। उस लैब रिपोर्ट में जो जानकारी सामने आई है, उससे लगातार ये माना जा रहा था कि जब से वो रिपोर्ट सामने आई तभी से वो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यानी कि जिस लैब रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई आधिकारिक तौर पर। रिपोर्ट में ना तो ये जारी करने वाली संस्था का नाम है और ना ही ये लिखा है कि किस जगह के सैंपल की जाँच है, लेकिन जो बात है वो तिरुपति की जा रही है। अब शायद आप समझ गए होंगे कि क्यों मैंने शुरुआत में प्रसाद भगवान के भोग की पवित्रता का सवाल उठाया। जी हाँ, तिरुपति मंदिर, जहाँ पर लाखों, सैकड़ों, हजारों की संख्या में, मुझे लगता है करोड़ों की संख्या में लोग दर्शन करने जाते हैं, वहाँ से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, और 300 साल पुराना ये मंदिर है, तो यहाँ पर बनने वाले प्रसाद को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। अब हुआ क्या, मैं बता देती हूँ। जो रिपोर्ट सामने आई है वो मेरे पास है, उसकी एक जानकारी आपको दे दूँ ताकि किसी तरह का संशय आपके मन में ना रहे। तिरुपति प्रसादम सैंपल रिपोर्ट में क्या क्या मिला, क्यों वहाँ पर बनने वाले प्रसाद को लेकर सवाल उठ रहे हैं? सोयाबीन, नारियल, सनफ्लावर, कॉटन सीड, जैतून का तेल, अलसी, फिश ऑयल, लार्ड, बीफ टेलो, ये तमाम चीज़ें उस रिपोर्ट में सामने आई है जिससे उस प्रसाद को तैयार किया जाता है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, वो भी अपने दर्शकों को, अपने दोस्तों को मैं साफ कर दूं। सबसे पहले बीफ टेलो क्या होता है वो एक बार आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि ज़रूरी है, अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो उसकी जानकारी भी होनी चाहिए, तो वो जानकारी मैं आपके साथ साझा करती हूँ। जानवरों की चर्बी को धीमी आँच पर पकाया जाता है, पकाने के बाद सिर्फ फैट रह जाता है जो कि घी जैसा दिखता है, इसी को बीफ टेलो कहते हैं। इसके अलावा एक दूसरी चीज़ जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, लार्ड। लार्ड क्या होता है वो भी एक बार आपको बता देती हूँ।
ये सुअर की चर्बी से बनाया जाता है, ये भी चिकना होता है जिसे आसानी से मिलावट कर सकते हैं। यानी कि जिस घी का इस्तेमाल तिरुपति में बनने वाले प्रसाद, बनने वाले लड्डू के लिए किया जाता है, उसी घी में इन तमाम चीज़ों को मिक्स किया गया है, ये बताया जा रहा है जो रिपोर्ट में आया है, जो मैं आपको बता रही हूँ। अब इतना शोर मचने लगा और पवित्रता को लेकर भोग के सवाल उठने लगे, तो उसको लेकर उम्मीद तो ये थी ना कि कोई तो आधिकारिक बयान आए, लेकिन TTD की ओर से कोई बयान नहीं आया। TTD यानी कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने मंदिर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। हालांकि घी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए 4 सदस्यीय विशेष समिति बना दी गई है, ये भी मैं आपको बता दूं। अब कुछ अहम जानकारी इसको लेकर ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देती हूँ, ताकि आप उसे, अगर मेरी बातों से ना समझ सकें तो शब्दों के माध्यम से आप उसे पढ़े भी समझे भी, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील है विनीत जिंदल, वो क्या कहते हैं इस मामले में। जगत मोहन रेड्डी ठेकेदार और TD के अफसरों के खिलाफ शिकायत की गई, इसमें कहा कि उन्होंने प्रसादम में जानवरों की चर्बी वाला घी मिलाकर लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। उन्होंने ये भी कहा कि इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और सख्त कार्रवाई हो। उधर केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट तलब कर दी। अब बात करते हैं उस शख्सियत की जिसने इस मामले को उजागर किया। इसको लेकर सबसे पहले उन्होंने, जैसे ही रिपोर्ट आई है उसके बाद अब इस मामले को उजागर किया है चंद्रबाबू नायडू साहब, जो कि मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के, वो क्या कहते हैं। 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और TDP सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि प्रसाद में चर्बी मिलाई जा रही थी। नायडू ने यह भी कहा कि जिस कंपनी से घी लिया जा रहा था उसे करार खत्म करके ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। मामले की जांच विजिलेंस को सौंप दी गई है। 1 साल पहले ही कंपनी को सप्लाई का टेंडर मिला था जो कि अब खत्म किया जा रहा है। तो चंद्रबाबू नायडू क्या कह रहे हैं कि अब क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि ये सवाल लोगों की आस्था का है। आप जानते हैं कि जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं, बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो लहसुन प्याज भी नहीं खाना पसंद करते हैं, तो जब उसी प्रसाद में मछली का तेल, चर्बी की हम अगर बात करने लग जाएं कि उस तरह से मिलावट की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा विषय बन जाता है। इसी के साथ एक और जानकारी आपको देना चाहते हैं। अब ये तो बात थी चंद्रबाबू नायडू की, क्योंकि अब जिस समय ये रिपोर्ट आई थी उस समय सरकार दूसरी थी, अब उनका पक्ष भी समझना ज़रूरी है, वो क्या कहते हैं ये भी जान लीजिए। अब जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस सरकार में ये हुआ उसको लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, कम से कम उनका पक्ष रखना भी ज़रूरी है कि उनकी ओर से क्या कहा गया, वो एक बार आपको बता देते हैं। और अब इसी पर YSTRP के सांसद क्या कहते हैं वो सुन लीजिए। प्रसादम में मिलावट के आरोप फर्जी, तिरुमल्ला तिरुपति देवस्थानम के पूर्व प्रधान चेयरमैन और YSR पार्टी सांसद YEV सुब्बा रेड्डी ने कहा, तिरुपति लड्डू की पवित्रता पर CM नायडू का बयान बहुत ही अपमानजनक है, इसे दुनिया भर के हिंदुओं की भावनाएं आघात हुई हैं। सुब्बा रेड्डी ने यह भी कहा कि TTD ने 2019 से 2024 तक नैवेद्यम और प्रसादम तैयार करने में उच्चतम मानकों को बनाए रखा और 2019 से पहले की तुलना में गुणवत्ता में काफ़ी सुधार किया है। अब एक और पवित्रता को लेकर सवाल, अब एक और उसी में सुधार को लेकर बात की जा रही है। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, अब इस बात को लेकर हम नहीं फैसला सुना सकते जब तक कुछ स्पष्ट रूप से नहीं आता। खाली एक किसी लैब की रिपोर्ट के आधार पर अगर इतने बड़े सवाल दागे जा रहे हैं तो इसे एक बार दोबारा जांच में लाया जाना चाहिए। ये आपकी भी मांग होगी, मेरी भी मांग होगी, हम सब की मांग होगी, पूरे सनातन धर्म की मांग होगी, क्योंकि लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ अगर हो रहा है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है तो भी इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एंगल तो दो ही निकल कर आते हैं। पहला एंगल सनातन धर्म को कहीं ना कहीं भ्रष्ट करने की कोशिश और दूसरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने की कोशिश। इसीलिए तो 1000 का बिकने वाला घी 350 रुपये में अगर बिक रहा है तो कुछ तो गड़बड़ होगी। खैर, ये भविष्य की गर्भ है, क्योंकि एक बार फिर से अभी जाँच होगी, उसको लेकर भी जानकारी आपको दे दूँ। अब देखिए, जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं वो 300 साल पुराना है और यहाँ पर जो लड्डू बनाने वाले हैं वो कोई और ही नहीं है, ब्राह्मण ही है। जो ब्राह्मण है वही यहाँ पर लड्डू बनाते हैं और ये माना जाता है कि तकरीबन 3,05,000 यानी कि 3.5 ये अमाउंट है, इतनी की संख्या में यहाँ पर लड्डू बनते हैं हर दिन। तिरुपति मंदिर में करीब 200 ब्राह्मण 300 साल पुराने किचन में शुद्ध देसी घी से लड्डू बनाते हैं। तिरुपति मंदिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय और अमीर धर्मस्थलों में से है। यहाँ हर दिन करीब 70,000 श्रद्धालु भगवान
वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हैं। इसका प्रशासन तिरुपति तिरुमल्ला देवस्थानम यानी कि TTD इसे संभालता है। तो अब देखिए, जिस मंदिर परिसर की हम बात कर रहे हैं उसी मंदिर परिसर में हर रोज़ यानी कि 300 साल पुरानी एक किचन है, वहाँ पर हर रोज़ शुद्ध देसी घी से प्रसाद बनाया जाता है यानी कि लड्डू बनाए जाते हैं। क्योंकि देखिए, उस मंदिर के जो लड्डू हैं उनकी अपनी एक खासियत है, प्रसाद के रूप में लोग उसे ग्रहण करते हैं और वो तैयार किया जाता है। तकरीबन 350,000 की संख्या में हर दिन लड्डू बनते हैं। अब 200 ब्राह्मण होते हैं वहाँ पर जो उसे बनाते हैं। अब बनाने वाले भी ब्राह्मण, लड्डू में शुद्ध बेसन, बूंदी, चीनी, काजू और शुद्ध घी होता है ये माना जाता है और इसी से प्रसाद को बनाया भी जाता है। अब ट्रस्ट ने करीब 1,00,000 लड्डू राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त अयोध्या भेजे थे। अब आप देखिए, ये चीज़ भी इसी से जुड़ी हुई है। अब जिसने जो वहाँ पर गया उन्होंने प्रसाद लिया, उन्होंने भी इस लड्डू को खाया, लेकिन जो लोग वहाँ जाते हैं वहाँ से प्रसाद लेके आते हैं वो अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने आस पड़ोस में भी लड्डू बांटते हैं। उसी के साथ ही अयोध्या वाला मामला जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि वहाँ से जो है वहाँ से 1,00,000 लड्डू राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भी चढ़े थे। तो अब ये मामला बड़ा होता है या नहीं, चर्चा का विषय है, चर्चा के साथ साथ और ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। मेरा मकसद किसी की आस्था को ठेस पहुँचाना या उन्हें हानि पहुँचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद बस ये है कि जानकारी लोगों तक पहुँचे और इसमें मांग ये ही कि इस पर जाँच होनी चाहिए और ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए कि कम से कम लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। तो अब TDP ने जो आरोप लगाए हैं वो एक लैब रिपोर्ट के हवाले से लगाए हैं। उधर जो YSR कांग्रेस का हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने इस विवाद पर हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। अब वो कह रहे हैं कि भैया हम तो हाईकोर्ट जाएंगे जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। पार्टी ने हाईकोर्ट से नायडू के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाने का, एक कमेटी का गठन हो इसकी मांग की है। अब कोर्ट 25 सितंबर को इस पर सुनवाई करेगा। अब होना क्या है, अब रुकना होगा क्योंकि न्यायालय से ऊपर तो कोई नहीं है, न्यायालय का फैसला सर्वोपरि। अब देखना होगा कि कोर्ट की ओर से 25 सितंबर को क्या इस मामले पर सुनवाई होती है, क्योंकि YSR कांग्रेस ये कह रही है कि जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है, उनके आरोपों की जांच होनी चाहिए, इसीलिए इसके लिए कमेटी का गठन हो और इस पर तब जाकर आगे एक्शन हो। तो कोर्ट ने कह दिया ठीक है, 25 सितंबर को इस पर सुनवाई करेंगे। अब आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद की पवित्रता विवाद को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसमें एंट्री कर ली है। उन्होंने कहा है कि हम जांच करेंगे। जैसे ही मामला सामने आया तो शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने ये कहा कि इस पूरे मामले को लेकर जांच होगी। उन्होंने ये कहा है कि इस मामले पर हमने संज्ञान ले लिया है, ये मामला अब हमारे संज्ञान में है और इस पर जांच की जाएगी। उसी के साथ राज्य सरकार को भी कह दिया गया है कि राज्य सरकार भी इस पर अपनी रिपोर्ट दे। राज्य सरकार से भी रिपोर्ट मांगी गई है। अब मंदिर के प्रसाद की जाँच की जाएगी तो ये हमारे लिए राहत भरी बात है कि चलिए जांच होगी और जिस लैब रिपोर्ट के आधार पर चंद्रबाबू नायडू ने सवाल उठाए हैं, क्या वो रिपोर्ट आने वाली रिपोर्ट से मैच होती है या नहीं, जांच के बाद जो तमाम चीज़ें हैं वो सामने आएंगी और कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ी सी राहत की सांस है कि चलिए दोबारा जांच के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे पर खास बात के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।